नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। पंचायत सहायक को लेकर के काफी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पंचायत सहायक पे आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो दोस्तों, जब तक न्यूज नहीं होती है हमारे पास तब तक हम वीडियो नहीं बनाते हैं। जब कोई अपडेट आ जाता है तो हम आपके लिए वीडियो बना देते हैं। दो तीन क्वेश्चन है, इनके बारे में बात करते हैं, आपको सारी जानकारी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। पहला सवाल है कि बचे जिलों की ज्वाइनिंग, तो बचे जिलों की ज्वाइनिंग की बात सरकार कह रही है कि दीपावली तक, मतलब दीपावली के 4-5 दिन ही बचे हैं, अब दीपावली तक बचे हुए जिलों में भी हम ज्वाइनिंग करा देंगे, टेंशन आप लोग ना लें। दूसरा सवाल यह है कि 2 दिन की ट्रेनिंग, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहां भी आपकी ट्रेनिंग हो गई है, अगर आपने 2 दिन का प्रशिक्षण नहीं लिया है तो आपकी जो तैनाती है उसको पे रोक लगाई जा सकती है। कहने का मतलब यह हुआ, जहां अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है, मतलब जिन जिलों में अभी तक ट्रेनिंग नहीं हो पाई है और होने वाली, और आपको सूचना मिलती है कि आपकी ट्रेनिंग इस दिन से इस दिन तक चलेगी और इस स्थान पे चलेगी, तो आपको कम से कम 2 दिन की ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। ये लेनी दोस्तों बिल्कुल जरूरी है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपने ट्रेनिंग नहीं ली है और आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए या फिर आपकी ज्वाइनिंग के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाए। तो ये 2 दिन की ट्रेनिंग का जब भी आपको चांस मिले, मतलब ट्रेनिंग जितने दिन की हो उतने दिन की आपको पूरी करनी है। दूसरा सवाल एक और है कि सर सैलरी की बात कही थी आपने एक दिन, आप सैलरी के बारे में बताएं कि सैलरी हमको मिलेगी तो मिलेगी कैसे। मेरे साथ के कई सारे दोस्त हैं जो सचिव बन गए हैं, मतलब वीडियो बने हुए हैं, है ना, ग्राम पंचायत अधिकारी, उन लोगों से मैंने बात की थी कि भाई ये सैलरी का जो प्रावधान है वो क्या है। उन लोगों ने कहा था कि सरकार ने ये स्पष्ट तो किया है कि हम सैलरी देंगे, लेकिन अभी तक ये हमको भी नहीं पता चला है कि ये सैलरी दी किस हिसाब से जाएगी। मतलब ना तो अभी परमानेंट कोई खाते खुलवाने की बात कही है सरकार ने कि आप लोग इनके खाते खुलवाइए, और ना ही ये सूचित किया है कि प्रधान के बजट में जो है इसको दिया जाएगा और प्रधान के बजट से उठा के आप लोगों को ये सैलरी दे दी जाएगी। मतलब ये कोई स्पष्ट नहीं है। तो आप जो भी ब्लॉक है आपका, अपने एडीओ पंचायत से जाके आप संपर्क कर सकते हैं कि सर ये सैलरी हमको किस आधार पे दी जाएगी। इसके चांस दोस्तों ये ज्यादा है। देखिए, 2 तरीके हैं इसमें। एक तो आपको आपके खाते में सैलरी दे दी जाए, है ना, मतलब खाता खुलवाया जाए आपका प्रथमा बैंक या किसी भी बैंक में, है ना। या फिर दूसरा तरीका यह है कि प्रधान के जो बजट आते हैं उसके साथ लगा के आपकी 2 से 3 महीने की सैलरी या फिर 1 ही महीने की दे दे, काफ़ी हो जाएगी, है ना, या फिर आपकी हर महीने आपके खाते में सैलरी भेजती रहे सरकार, ठीक है ना, एक तरीका तो ये। तो दोस्तों, जो जानकारी मिली हम आपसे वही बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें कि अरे सर आप तो पहले वैसे कह रहे थे। तो अभी तक हो सकता है कि उन लोगों को कोई जानकारी ना हो, है ना, उसके अलावा एडीओ पंचायत के सामने इसकी कोई न्यूज आई हो, लेकिन अगर एडीओ पंचायत के साथ न्यूज आती तो वो वीडियो जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनके साथ जरूर शेयर करते, ठीक है। आप लोग अपने प्रधान से भी इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि इसको सैलरी का जो प्रावधान है वो किस तरीके से किया जाएगा। अगर खाता वगैरह खुलने का कोई नोटिस वगैरह आपको मिला है तो आप हमें अवगत करके बताइए, ये आपको अपने प्रधान और सचिव से पूछना है। अगर आप लोगों में से आपके पास कोई सूचना आ गई हो कि हाँ सर खाता खुलने की बात या फिर जो सैलरी की बात है वो मेरे को पता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये 3 अपडेट थी दोस्तों, आप इन्हें अपडेट सूचना जो कहना चाहें कह सकते हैं। आज तक के लिए इतनी ही जानकारी है। बाकी दोस्तों को जिन जिलों में ज्वाइनिंग नहीं मिली है जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अभी आपके पास दीपावली से 3-4 दिन का समय बचा हुआ है, तो हो सकता है कि इस समय में आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। एक सवाल और होगा आपके दिमाग में कि सर कोर्ट का कोई अपडेट हो तो बताइए। तो कोर्ट का जो अपडेट है दोस्तों, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट की याचिकाएं 1-2 करके सब खारिज हो जाएंगी, एक तो हो ही गई है, है ना। इस कोर्ट केस से आपकी इस वैकेंसी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये वैकेंसी रत्ती भर कैंसिल नहीं होगी, इस बात को आप लिख के रख लीजिए। जैसा कि हमने पहले कहा था, देखिए याचिकाएं किस वैकेंसी पे नहीं लगती, हर वैकेंसी पे याचिका लगती है जो गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वैकेंसी खारिज हो जाएगी, वैकेंसी खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी होता नहीं है। सरकार के पास जो वैकेंसी निकालती है तो वैलिड सबूत भी होते हैं जनता को दिखाने, कोर्ट को दिखाने के लिए। बात समझ में आ रही है, इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करिए, फोकस इस चीज़ पे करिए कि जल्दी से जल्दी आपको सैलरी मिले, ज्वाइनिंग मिले और आप अपने काम धंधे से लगें, क्योंकि वैसे ही आप पहले से ही काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं इस 6,000 की नौकरी को लेकर के, पढ़ाई वगैरह भी आपकी डिस्टर्ब हो रही होगी, है ना। तो इस काम को आप जल्दी से जल्दी निपटाइए, मतलब आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में उनको पूरा करिए, और आपका जो अनुबंध वगैरह है उसको बनवा के जल्दी से जल्दी जमा कर दीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि पंचायत सहायक हो या फिर कोई भी वैकेंसी हो हम आपको उसका अपडेट सबसे पहले दे देते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।